अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेल्स। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स के साथ चाकू दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज की गई है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम दानिश बताया जा रहा है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नर्स जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ये आरोपी दानिश अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद करता है और जेब से चाकू निकालकर चाकू के दम पर नर्स के साथ छेड़खानी गाली गलौज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी नर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया और स्टाफ का एक व्यक्ति आकर दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही इस शख्स ने दरवाज़ा खोला ये आरोपी दानिश भागने लगता है, मगर अस्पताल में मौजूद लोगों ने इस मनचले मजनू की पकड़कर खातिरदारी की और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल का है। आरोपी दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये देखो अंदर आया, एक सेकंड, हाँ खड़े रहने दे। ये ना कुंडी लगाई, देखो कुंडी लग, चक्कू निकाला, कुंडी लगी नहीं उससे पूरी, चुप बोल रहा, आवाज नहीं निकाल दी, हाँ चक्कू निकाल दिया, वो बच रही है चक्कू से। ये चक्कू रखा है, ये खींच के रखा दिया पीछे से, ये चक्कू रखा है, ये सुरेश आएगा नीचे से एकदम भागा हुआ, ये चीखी है ना, सुरेश आ, ये भागा, ये 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 ये, 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 ये।